At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. क्या तेल में होने वाले मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती हैं, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6MI हुसैनगंज सीतापुर UP भारत, पिन 261125। यूपी के सीतापुर में KP सिंह मेमोरियल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के रूप में जनपद वासियों को बड़ी सौगात मिली। हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य अतिथि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने जैसे ही आम बोलचाल की भाषा में संबोधित अपने विचार रखे कि कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डिप्टी CM ने अनोखे अंदाज में कहा कि अब गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए लखनऊ और सीतापुर जायका नाय परी। उनका आम बोलचाल की भाषा में ये संबोधन सभी के अंतर मन को छू गया। मुख्य अतिथि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने KP सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल MKD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह से अपील की कि वह अस्पताल आने वाले उन मरीजों का मुफ्त में इलाज करे जिनके पास पैसों की कमी हो। अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। प्रतिदिन किसी न किसी हॉस्पिटल में हमें जाने का अवसर मिलता है, लेकिन सुदूर गांव में जब सुव्यवस्थित हॉस्पिटल में देखता हूं, हॉस्पिटल के अंदर बैठे डॉक्टरों में हमें भगवान नजर आते। भगवान करे किसी को कोई बीमारी न लगे, कोई दुर्घटना न हो, लेकिन यदि कोई अपाहिज हो गया, चोट लग गई, कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो परिजनों के सामने एक बड़ी चुनौती है, कहां ले जाई, कैसे भर्ती कराई, कैसे ठीक करी अपनी अम्मा का। लेकिन यहां आके देखें सब इंतजाम डॉक्टर साहब कई दिन है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। अब सीतापुर और लखनऊ घाय जाएकर नाय परी, मजबूरी में यहां कोई बात फंसी, जैसा है राजेंद्र वर्मा कहीं तब भाई जाए परी ही निपट जाए। लेकिन एक बात हमें ध्यान में आई गई, मन में यह बात आई कि पैसा कहां की आई, अस्पताल बड़ा है रुपया लगी, गरीबों कहां नहीं है, देखे तेरे पैसा ना आई कहां नहीं है। तो डॉक्टर साहब आयुष किन्हों कहां के डॉक्टर साहब, आयुष किन्हों का आयुष्मान भारत जो कार्ड है ना प्रधानमंत्री वाला, मोदी जी की गारंटी सबका याद है कि नहीं, बताओ जरा पाछे वाले, याद है मोदी जी की गारंटी कार्ड बना है ना सबका, तो जहकर जहकर कार्ड बना होगा फ्री इलाज का जुगाड़ करो, ठीक है ना। और आप आयुष्मान कार्ड खातिर अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, बताइए हो ना कब करा ले हो, आवेदन कर दो रजिस्ट्रेशन हम कह देवे, ठीक है ना। और ना कार्ड लेके आई हो तो फ्री में यहां दवाई और ऑपरेशन हो ही होता ही है ना, तो जहके जहकर कार्ड बना होगा फ्री इलाज का इंतजाम हो, और जहके तीर पैसा ना हो तो भगवान का रूप मान को ऐसे इलाज कर दे, कोई निराश ना किन हो, और जहके तीर पैसा हो तो राजेश वर्मा जी से 10% ज्यादा ले लो। भाई अस्पताल चला खातिर पैसों तो चाहिए ना, तो जहके तीर पैसा हो इतने 10% ज्यादा MP साहब दे हैं अपन, क्यों बोलो तय है ना, पाछे वाले बोलो भैया ठीक रही ना, बोलो ना ठीक रही कि नहीं रही, हम गलत नहीं कहें कुछ, तो तैयार है ना आप लोग, तो
अस्पताल बढ़िया है, सारा इंतजाम है, चाहे हड्डी टूटे, चाहे लड़का हमारा बीमार हो, चाहे हमारे दिमाग में कोई चोट लगे, चाहे हार्ट का कोई बीमारी हो, चाहे एक्सरे कराए पड़े, और MRI और CT भी उपस्थित है। MRI CT खातिर तो लखनऊ कानपुर जाए पड़ी, लेकिन वहू यहाँ लाग रही मशीन। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई डॉक्टर साहब आपका, आपका जो है बहुत सबकी उम्र लग जाए, आप बीमारन का इलाज करे खातिर सोचे हो। केवल ध्यान रखना हमारे गरीबों का, जैसे उनका बढ़िया इलाज मिले और पैसा खातिर निराश ना हो। कोई ऐसा आदमी आवे तो मान लो भगवान आए हैं दरिद्र नारायण की सेवा करना, बद्री नारायण की सेवा करना, ऐसे फ्री में का दवाई जरूर दे, निराश न करे, यही हमारा कहक है। मैं अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और गरीबों की सेवा करके दिनों दिन रात चौगुनी आपकी बढ़ोतरी हो, हम यो कह के जा रहे हैं, ठीक है ना। एक बार और कहैया हम, ये राजेश वर्मा जी जो बैठा है जानते हो सबका ना, वर्मा जी हमारे दोस्त हैं, ध्यान रखना सब लोग, सही कह रहे हैं कि नहीं। अब दुआरे बारात अवैया है, नगाड़ा बज रहा कि नहीं, सुनाई पड़ रहा कि नहीं, नगाड़ा धूम सुनाई दे रही ना, अब की बार फिर एक बार भारत माता के। जनपद सीतापुर के लहरपुर रोड पर ग्राम पारा सराय स्थित हॉस्पिटल में क्षेत्रवासियों को सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। गंभीर से गंभीर इलाज के लिए अब लखनऊ की मेडिकल कॉलेज और रायबरेली के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं, गर्भदात्री, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं सभी के इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में ICU NICU की व्यवस्था भी है, साथ ही इसमें न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी इत्यादि विभागों के विशेषज्ञ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। अस्पताल में मरीजों की भर्ती के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल परिसर में ही एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सहित सभी जांचें भी मरीजों की हो सकेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ, समय कम है, लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि KP सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल इस इलाके का मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में जो सुविधाएं आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी, ऐसी सुविधाएं अभी हमारे जिला हेडक्वार्टर पर भी नहीं है। मैंने आज सुबह आकर के पूरा हॉस्पिटल का भ्रमण किया है, और ये हॉस्पिटल आप लोगों की चिकित्सा के लिए कटिबद्ध है। और मैंने डॉक्टर SP सिंह जी से कहा, क्योंकि ये इलाका थोड़ा गरीब इलाका है, तो आप विशेष ध्यान देंगे कि गरीबों के इलाज के लिए हम स्पेशल छूट देने का काम करें, ताकि आम जनमानस यहाँ पर अच्छी चिकित्सा करा सके। आपको बताते हुए खुशी हो रही है, इस हॉस्पिटल के माध्यम से आप ऐसी चिकित्सा पा जाओगे कि यहाँ से निकलने के बाद स्वस्थ होकर के आप अपने घरों को जाएंगे। कोई बहुत क्रिटिकल केस होगा तो यहाँ से अगर रेफर होता है तो उसका इलाज या तो फिर KGMC में होगा, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में होगा, या PGI में होगा, और बहुत क्रिटिकल होगा तो एम्स में जाने का काम करेगा। उसके पहले का इलाज इस हॉस्पिटल में संभव है, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। इसको आपको समर्पित करते बड़ी खुशी का अनुभूति हो रही है। ये हॉस्पिटल में जिस तरीके का इलाज मैं देख रहा था कि यहाँ का स्टाफ इतना कमिटेड है, सवेरे से लगातार लगे हुए हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं, और आज ये उद्घाटन के बाद मैं इतना ही कह सकूंगा, ये हॉस्पिटल हमारे इलाके के लिए बहुत उपलब्धि का साधन बनेगा, लोगों को अच्छी चिकित्सा, अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करेगा। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी को 4 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक में पहुंचना है, इसलिए मैं फिर से आपका इस मंच के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र की इस पावन धरा पर आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व KP सिंह मेमोरियल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्य अतिथि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने शिलापट से पर्दा हटाकर किया। KP सिंह मेमोरियल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल MKD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन
डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी को आश्वस्त किया कि अस्पताल आने वालों में से किसी को पैसों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। अस्पताल आने वालों के पास पैसा हो या ना हो, उनका इलाज किया जाएगा। संस्थापक डॉक्टर एसपी सिंह ने यह भी भरोसा दिलाया कि सीतापुर जनपद में जितने भी अस्पताल संचालित हैं, उन सब में से इस अस्पताल में 50% कम शुल्क पर इलाज किया जाएगा। मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। आप लोगों के लिए जो ये इस सुदूर ग्राम में इतना भव्य अस्पताल का निर्माण किया गया है, तो पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। पैसा है तब भी इलाज होगा, पैसा नहीं है तब भी इलाज होगा। और मैं ये माननीय मुख्य अतिथि जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस अस्पताल में, इस जिले में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें उससे 50% कम में यहां इलाज होगा। और अपनी क्षेत्र की जनता को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं। मंत्री जी के साथ हमारे मुख्य अतिथि जी के पास समय की कमी है, कार्यक्रम बहुत थे, लेकिन शॉर्ट नोटिस में हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। इस मौके पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, चेयरमैन प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, भाजपा नेता संतोष सिंह, रालोद नेता आरपी सिंह, आदित्य सिंह, टीपी सिंह, पंकज पांडे, मनीष त्रिपाठी, परीक्षित त्रिपाठी, सचिन मिश्रा सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। केपी सिंह मेमोरियल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल एमकेडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह की पत्नी सची सिंह ने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाते हुए आई इंडिया को बताया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों के सबकी सहयोग से ही इतना बड़ा दिन आया है हमारे लिए कि ये हॉस्पिटल की ओपनिंग हो पाई है। दूसरी बात ये है कि अब हमारी बहनों को, हमारी माताओं को अपनी किसी भी बीमारी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, छोटे बच्चों को कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पूरी सुख सुविधाएं रहेंगी। गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है और सारा सुख सुविधाएं हैं। इवन बच्चों के लिए NICU भी है। तो आगे आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा लाभ जिनका होगा वो हमारी महिलाएं हैं, जिनका लाभ होगा, और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन मैं स्पेशली उन्हीं को कहना चाहूँगी, गरीबों का पूरी हम लोगों की पूरी कोशिश है कि उनका मुफ्त ही इलाज हो, जो कि प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत आएगा। वो होने में अभी कुछ दिन लगेगा, लेकिन आश्वस्त रहिए कि होगा ज़रूर। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर है, इमरजेंसी है, और हमारे यहाँ NICU है, ICU, और सारी हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो कोई भी अगर एक्सीडेंट भगवान ना करे होता है तो उसकी सारी वो मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। आगे आने वाले दिनों में CT स्कैन, MRI सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध होगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।